Now CAGR, compounded annual growth rate, very important, very very important, compounded annual growth rate. ठीक है. Now what is compounded annual growth rate? Compounded annual growth rate is calculated when the investment period is more than a year to represent return. Compounded annual growth rate is what? It's calculated when the investment period is more than a year, like 3 years, 4 years, 5 years. ठीक है. तो CAGR is calculated when the investment period is what? More than a year to represent return. एक representative return देता है बेटा. CAGR gives one representative return. जैसे आपको first year में 10% मिला, second year में 20% return मिला, third year में 38% मिला, fourth year में 49% मिला और fifth year में 5% मिला. Right? अभी देख रहे हो आपको फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 20% रिटर्न, थर्ड ईयर 38%, फिर फोर्थ ईयर में 49%, उसके बाद लास्ट में 5%. अब बेटा ये ईयर बाय ईयर आपको रिटर्न शो कर रहा है, बट किसी भी इन्वेस्टर्स को एक एनुअल रिटर्न तो मालूम पड़ना चाहिए, एक एवरेज एनुअल रिटर्न कि भाई एनुअली कितना कमाया मैंने, एनुअली. ठीक है, एनुअली कितना अर्न किया है, बराबर है. तो एनुअली समझ लो, एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल, बराबर है, कि ये पूरा CAGR कैलकुलेट करने, CAGR कैलकुलेट किया, CAGR का फॉर्मूला यूज किया, तो आपको एनुअली समझ लो आपको मालूम पड़ गया कि 25% रिटर्न आपने जनरेट किया. कितना? 25%, बराबर है. एक एग्जांपल आ 25%, तो आपको एक आइडिया मिल गया ना, एक आइडिया मिल गया कि भाई इसका जो CAGR है वो 25% है. ये एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न है कि हर साल में कितना परसेंट जनरेट कर रहा हूं रिटर्न, हर साल में कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, 25%. कितना परसेंट? 25%, बराबर है. सो दैट इज व्हाट CAGR, CAGR एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न शो करता है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ आपका, आप एनुअली कितना रिटर्न कमा रहे हो. अभी वो छोड़ो, एक सिंपल सा एग्जांपल लो. अभी समझो अपने क्लास में ही कोई स्टूडेंट है, समझो अपने क्लास में संयम है, संयम उसका एक यूट्यूब चैनल है. ठीक है, उसने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल. अब उसके यूट्यूब चैनल का फर्स्ट ईयर में समझो ग्रोथ कितना हुआ, फर्स्ट ईयर में 10% ग्रोथ हुआ, सेकेंड ईयर में उसके यूट्यूब चैनल का 20% ग्रोथ हुआ, 20% सब्सक्राइबर और बढ़ गए, थर्ड ईयर में 38% ग्रोथ हुआ, फोर्थ ईयर में 49% ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद फिफ्थ ईयर में थोड़ा ग्रोथ कम हो गया, जो हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे वो हिसाब से लास्ट ईयर में नहीं बढ़े. ठीक है, भी संयम क्या चाहेगा कि भाई वो देखना चाहेगा कि 5 साल में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, मेरे सब्सक्राइबर का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मैं अगर देखना चाहूं तो कितना हुआ. तो उसने कैलकुलेट किया CAGR के हिसाब से, तो उसको मालूम पड़ा कि 25% कि हर साल 25% मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए. राइट, तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया यूट्यूब चैनल के हिसाब से, सब्सक्राइबर के हिसाब से. राइट, है कि वो चाहेगा कि भाई मेरा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ है, दैट इज शोन बाय CAGR. ठीक है, तो हम यहां अपना इनकम की बात कर रहे हैं, रिटर्न्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, और हमेशा याद रखो ये CAGR है ना, CAGR ये क्या है बेटा, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा बचपन में, कंपाउंड इंटरेस्ट वही है, बराबर है, वैसा ही है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सबको पता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी जैसे ये 100 रुपीज है, ठीक है, राइट है, अब 10% रिटर्न मिला आपको, तो 10% कितना हो गया इसका, समझो 10 रुपीज, तो कितना हो गया 110. उसके बाद समझो फिर से, अभी देखो ये 110 जो है, अब नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा 110 के ऊपर, तो समझो 110 के ऊपर आपको फिर से 10% मिला, कितना, 11 रुपीज. फिर नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया, 121, राइट. सो दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा आपको पता ही है. ठीक है, कि जो भी आपको इनकम मिल रहा है दैट विल बी रीइन्वेस्टेड, वो रीइन्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो रीइन्वेस्ट हो गया अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस जो इनकम है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, ऐसे ही ये फंडा कंटिन्यू होते जाएगा, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग. और हमेशा याद रखना, कंपाउंडिंग इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड. कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको बहुत रिच बना सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग में वो पावर है बेटा,
बराबर है, जो आपका इनकम हो रहा है वो री इन्वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। सो कंपाउंडिंग, इसलिए बोला जाता है कि बेटा कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, समझे कि नहीं। सो ये बेटा जो CAGR है ना वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही है, समझने के लिए याद रखो, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, आ जाओ सी। सो इट इज लाइक व्हाट बेटा, लाइक अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमेशा याद रखना, नॉर्मली रिटर्न्स आर नॉट सेम ईच ईयर, पता ही है सबको। देयरफॉर CAGR रिप्रेजेंट्स अ मीन एनुअल ग्रोथ रेट, कि भाई अभी किसी को भी एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर चाहिए, एक नंबर चाहिए कि भाई मेरा कितना ग्रोथ हुआ है, मुझे कितना रिटर्न्स का ग्रोथ मिला है हर साल। अब नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आपको एक क्लियर आइडिया नहीं देता ना, बट CAGR आपको एक क्लियर आइडिया देगा कि हर साल आपको कितना रिटर्न्स मिला, कितना ग्रोथ हुआ, करेक्ट है कि नहीं, बराबर है। इसलिए अब इसका नाम याद रखो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, ज्योमेट्रिक मीन इज सेम एज CAGR। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सेम एज CAGR है। इन CAGR ईच ईयर एनुअल इनकम कंपाउंडेड, हर ईयर का एनुअल इनकम कंपाउंड हो जाएगा, एंड देन रिटर्न कैलकुलेटेड एंड द एनुअल रिटर्न शोन बाय CAGR, बराबर है। तो वो तो कंपाउंडिंग फैक्टर बताया मैंने, जो भी आपको इनकम मिलेगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, री इन्वेस्ट होने के बाद उसके ऊपर रिटर्न कैलकुलेट होगा, दैट्स इट। फिर हम लोग एक CAGR निकालते हैं, राइट। अब उसके लिए आ जाओ मैं आपको एक्सेल में इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सी, अब देखो बच्चा ध्यान देना सब लोग, अब क्या बोल रहा है एक्सेल में, देखो इधर मैंने एग्जाम्पल लिया है, सी, नंबर ईयर अमाउंट एंड वाई ओ वाई रिटर्न सबको पता है, ईयर ऑन ईयर जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न है, ठीक है। चलो अब देखो इधर मैंने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, क्योंकि थियरी से थोड़ा आइडिया क्लियर नहीं होता, तो इसलिए एक एक्सेल में एग्जाम्पल जो आपको लाइफ में करना है, बराबर है कि नहीं। आप कंपनी विल लेवल में जाओगे तो बुक्स में थोड़ी ये करोगे, बुक्स में तो रफली होता है ना सब, एक्सेल में रिकॉर्ड करना है आपको, समझे। तो एक्सेल का अभी से सीख लो, बाद में जो कंपनी लेवल पे जाएगा उसको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा, आपने को सी है नंबर जीरो, जीरो मतलब पता है ना सबको, जीरो मतलब क्या, जीरो ईयर मतलब, इधर देखो ये जीरो ईयर है 2014, मतलब क्या, जब भी आपने इन्वेस्ट किया, मतलब आज का दिन, आज आपने इन्वेस्ट किया, दैट इज नोन एज व्हाट, जीरो, ठीक है। उसके बाद एक साल जब भी खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर वो फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर सेकेंड, एट द एंड ऑफ थर्ड, थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ, फोर्थ ईयर, एट द एंड ऑफ फाइव, दैट इज फिफ्थ ईयर, मतलब टोटल फिफ्थ फाइव ईयर तक का रिटर्न आपको इधर दिया रहेगा। तो चलो आपने इन्वेस्ट किया फर्स्ट डे जीरो ईयर में, मतलब फर्स्ट डे जैसे आज का दिन आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया, 10,000, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया बेटा, 10,000। अब वो रिटर्न आपका कितना हो गया, बराबर है, समझो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 मिला, तो कितना परसेंट रिटर्न हो गया, नॉर्मल सी बात है, 10,000 से 12,000 मतलब कितना परसेंट रिटर्न आपको जनरेट हुआ, 20%, हाउ मच, 20%। फिर उसके बाद ऐसे ही, फिर नेक्स्ट ईयर आपको रिटर्न देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 11,000 मिला, तो आपका रिटर्न नेगेटिव हो गया। उसके नेक्स्ट ईयर 13,000 मिला, तो क्या हो गया, 18% रिटर्न। ये सब सब इसमें कंपाउंडिंग फैक्टर है, मतलब जो भी आपको इनकम मिल रही है वो री इन्वेस्ट हो जाएगी, बराबर है, जो भी लॉस होगा तो उतना माइनस हो जाएगा, कॉमन सी बात है। अब 13 से 14,500 हो गया, तो कितना परसेंट रिटर्न आया, 12%। फिर 16,000 हो गया, तो 10%। अब आप देख रहे हो बेटा इधर, आपको हर साल का रिटर्न आपको इधर दिख रहा है, एवरी ईयर रिटर्न, यू कैन सी हियर, सी एवरीवन, कि फर्स्ट ईयर में 20% रिटर्न है, सेकेंड ईयर में -8% है, थर्ड ईयर में 18% है, फोर्थ ईयर में क्या है, 12% है, और लास्ट ईयर में 10%। अब ये हर साल आपको बता रहा है कि फर्स्ट ईयर आपको 20%, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में -8% है, थर्ड ईयर में 18% है, फोर्थ ईयर में 12% है, और लास्ट ईयर में 10%। तो ये आपको एक क्लियर रिप्रेजेंटेटिव फिगर दे रहा है कि, क्लियर रिप्रेजेंटेटिव फिगर दे रहा है कि नहीं, नहीं ना, आपको खाली इतना मालूम पड़ा है 20% फर्स्ट ईयर में था, फिर उसके बाद -8% हो गया, नेगेटिव रिटर्न हुआ, फिर 18%, 12%, 10%, एक क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है। तो ये क्लियर आइडिया देने का काम कौन करेगा आपको, CAGR, बराबर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक एनुअल ग्रोथ रेट आपको मालूम पड़ेगा कि एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, कि हर साल मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है,
बराबर है। तो हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है, तो पूरा कैलकुलेट करोगे सीएजीआर का जो फॉर्मूला बताऊंगा वो फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 9.86%। तो मिल गया ना एक क्लियर आइडिया, एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न मिला ना आपको कि रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न कितना हुआ 9.86%। ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि हर साल मैं कितना रिटर्न कमा रहा हूं 9.86, तो अच्छा है क्या? यस अच्छा है ना, 9.86 तो एफडी या नॉर्मली सबसे ज्यादा ही है। तो आप एक एजम्पशन ले सकते हो कि भाई कि हर साल मुझे कितना रिटर्न मिला 9.86%। यस, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीएजीआर। इसलिए सीएजीआर को बोलते हैं इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न्स है, चाहे कितने भी इयर्स रहे उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न्स मिल जाएगा, बराबर है। और याद रखना ये सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए यूजफुल है, लमसम। तो लमसम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, एक ही बार आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वो आपको इनकम मिला एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर वो री इन्वेस्ट हो गया। मतलब आपने इधर SIP इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कभी भी याद रखो SIP या इंस्टॉलमेंट आ गया तो CAGR यूजफुल नहीं होगा। समझा कि नहीं क्या बोला मैंने? अगर SIP या इंस्टॉलमेंट, SIP मतलब वही हो गया ना, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आ गया तो CAGR यूजफुल नहीं होगा। याद रखना CAGR सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए यूजफुल है CAGR? ओनली फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, याद रहेगा ना सबको, ओनली फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, एक ही बार जो अमाउंट डाला है उसके लिए यूजफुल है। SIP इन्वेस्टमेंट रहेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या इंस्टॉलमेंट में आप पैसा जमा कर रहे हो, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? वो केस में आपको CAGR यूजफुल नहीं होगा। वो केस में आपको क्या आएगा, क्या यूजफुल होगा? XIRR। क्या? XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। समझा कि नहीं? वो XIRR एक्चुअली क्या है, समेशन ऑफ CAGR ही है। तो फिलहाल अपना वो XIRR का पर्पज नहीं है, फिलहाल CAGR करना है, तो CAGR पे ध्यान दो। ठीक है, तो मालूम पड़ गया CAGR पूरे ईयर का, जितने भी ईयर्स के रिटर्न्स है सबका एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न दे रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न्स कितना हो गया आपको 9.86। क्लियर है? दैट इज व्हाट नथिंग बट अ CAGR। गॉट इट? अभी बेटा ये जो रिटर्न्स है, 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर 12,000 हुआ, अगर आप बुक में कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो, कितना परसेंट रिटर्न हुआ? 10 से 12 हो गया, तो 2,000 का इनकम मिला, डिवाइड बाय अमाउंट कितना था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 10,000 इनटू 100, तो कितना परसेंट आया? 20%, बराबर है, राइट? ये तो बुक किश कर दो। अब भाई एक्सेल में करोगे तो कैसा करोगे, वो चीज भी आनी चाहिए ना आपको। तो एक्सेल में तो यार एकदम सिंपल फॉर्मूला है, देखो एक्सेल में, ठीक है, क्या करने का आपको 20% समझो निकालना है। ठीक है, तो ये देखो इधर ही मैं निकाल रहा हूँ, या इसको कैंसिल कर दो मैं, चलो इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, अब इधर देखो, अगर आपको 20% निकालना है तो क्या करने का, इक्वल टू मारा ब्रैकेट, चलो 12,000 आपको पूरा अमाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया 12,000, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कितना किया था 10,000, फिर क्या करने का, डायरेक्ट -1 कर देने का। -1 कर दोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, एंटर मारा तो डायरेक्ट आंसर मिल गया 20%। ठीक है, अभी बोलोगे सर 0.2 मिला तो क्या करेंगे, देखो जैसे ऐसा इक्वल टू मारा फिर ब्रैकेट 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 -1 ब्रैकेट क्लोज, कितना आया 0.2 आया ना। अब 0.2 को परसेंटेज इधर दिख रहा है, ऊपर परसेंटेज का साइन दिख रहा है, इधर परसेंटेज का साइन दबा दो, 20% आ गया, दैट्स इट, फिनिश, राइट? क्लियर है? क्लियर? ये सबको दिखा ना स्क्रीन पे कैसे किया मैंने, क्लियर है? सिंपल सा, देखो एक्सेल का भी ट्रिक आना चाहिए, और CAGR जो है ना, CAGR कैलकुलेट करने के लिए भी एक्सेल में बताऊंगा मैं कैसे करना है आपने को। ठीक है, सो आपने देख लिया CAGR क्या क्या दिखा था बेटा, एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न शो करेगा आपको, और CAGR इज अ गुड मेजर फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, याद रखना, बराबर है। और CAGR क्या करता है बेटा, आपको एक एक एवरेज एनुअल रिटर्न बता रहा है कि आपने हर साल 25% कमाया, लेकिन वोलेटिलिटी शो नहीं करता। वो अभी कितना वोलेटिलिटी हुआ था देखा ना आपने, कभी 20%, कभी 8%, कभी नेगेटिव 8%, कभी 15%, कभी जो भी 18%, तो वोलेटिलिटी ये शो नहीं करता, ये एक फिक्स्ड एवरेज एनुअल रिटर्न दिखाएगा कि आपको हर साल जैसे 9.86 मिला। तो ये एक इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है कि वोलेटिलिटी शो नहीं करता, ये एक डायरेक्टली एक रिटर्न बताएगा कि हर साल आपने इतना कमाया, बट हो सकता है हर साल उतना नहीं कमाया। देखो किसी साल में नेगेटिव रिटर्न भी गया था ना,
बट ये आपको एक पूरा एवरेज एनुअल रिटर्न बताता है, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो CAGR एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न है, याद रखो बच्चा लोग, भूलना नहीं। और अब देखो सुनो, CAGR में फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला है CAGR का फॉर्मूला, फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है CAGR का? देखो CAGR का फॉर्मूला है CAGR इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय परचेस प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब इधर क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, परचेस प्राइस मतलब प्रेजेंट वैल्यू, वन बाय एन, वन अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, या जो भी टाइम पीरियड है, माइनस वन, माइनस वन बाद में इंटू हंड्रेड कर दोगे तो परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। वेयर वन बाय एन मतलब क्या, वन अपॉन ईयर्स, 12 रहेगा तो मंथ्स, 365 रहेगा तो डेज, बस ये तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो बता दूंगा, खाली ये फॉर्मूला याद रखना आप, क्लियर है, मालूम पड़ गया, ओके। देखो दिख रहा है CAGR का फॉर्मूला, इधर मैंने लिखा है, देखो सी CAGR, CAGR इज इक्वल टू, दिख रहा है बड़ा ब्रैकेट, फिर सेलिंग प्राइस अपॉन परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब फ्यूचर वैल्यू, अपॉन परचेज प्राइस मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू, फिर वन अपॉन एन, वन अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम जो भी रहेगा, ईयर्स में रहे, मंथ्स में रहे, डेज में रहे, उसके हिसाब से कन्वर्ट करने का, माइनस वन इंटू हंड्रेड, माइनस वन इंटू हंड्रेड, दैट्स इट, क्लियर है। सो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला याद रखने का। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको जब बताऊंगा ना कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगी CAGR आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी। CAGR कैलकुलेट करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। पहले तो आपको बुक में करना है तो ये स्टेप आना चाहिए, कैलसी में भी, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रैक्टिकल करूंगा तो एक्सेल में भी बताऊंगा एक्सेल में कैसे करते हैं। सो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन कैलकुलेटर टू डू द पावर ऑफ कैलकुलेशन। अभी देखो जैसे 2 पावर ऑफ 1/3 है, ऐसा है 2 पावर ऑफ 1/3, ठीक है, अगर ऐसा है आपको। अब 2 मतलब क्या, जैसे 20,000 का सेलिंग प्राइस है डिवाइड बाय 10,000 का परचेस प्राइस है, तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 आ गया, 1/3, समझो 3 इयर्स है, 1 upon 3 years। तो अब इसका कैलकुलेशन करने का कैसा, कैलकुलेटर में पावर ऑफ का कैलकुलेशन कैसे करने का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1/3 मतलब क्या हो गया, 0.33, क्या हो गया बेटा, 1/3 मींस व्हाट, 0.33, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करने का, देखो इधर सबसे पहला स्टेप कैलसी, देखो कैलसी में देखो क्या करने का, सबसे पहले आप क्या करो, ये 2 दिख रहा है, 2, कैन यू सी इट, ये 2 दिख रहा है, उसको टाइप करो, देखो कैलसी का स्टेप देख लो, प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा, अभी से थियरी है इससे ध्यान दो, 2 टाइप करो, देन क्या प्रेस करना है आपको, अंडर रूट बटन, अंडर रूट साइन दिख रहा है इधर, अंडर रूट का साइन है कैलसी में, उसको प्रेस करो, कितना बार, कितना टाइम्स, 12 टाइम्स, एनुअल ग्रोथ रेट है ना, एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है मतलब 12 टाइम्स, तो उसको 12 टाइम प्रेस करो अंडर रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सब थियरी में देखो, इधर मैंने थियरी बना के दे दिया क्या क्या करना है, भूल गया तो अपना ये नोट्स रेफर करने का। उसके बाद स्टेप टू क्या करना है, स्टेप टू अपने को क्या करना है, माइनस करना है, ये देख रहा है स्टेप टू क्या करना है, माइनस वन, तो माइनस वन, ठीक है। फिर स्टेप थ्री में क्या करना है, इंटू 0.33, इंटू वॉट, अब ये जो 0.33 है ना, देख रहे हो ये 0.33 1/3 का, इंटू 0.33 किया, इंटू 0.33, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, प्लस वन करना है, तो +1, ठीक है, +1 करना है। फिर क्या करना है अपने को, अब आ जाओ प्लस वन के बाद इंटू और इज इक्वल टू प्रेस करने का, इंटू और इज इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स, कितनी टाइम्स, इंटू इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करने का बेटा, 12 टाइम्स, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1.2570। तो ये इंटू इज इक्वल टू आपको याद रखना है, कितनी बार प्रेस करने का, 12 टाइम्स, तो आ जाओ देखो, इंटू इक्वल टू 1 टाइम, इंटू इक्वल टू 2 टाइम, इंटू इक्वल टू 3 टाइम, इंटू इक्वल टू 4 टाइम, इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 6 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 7, इंटू इक्वल टू 8 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 9, इंटू इक्वल टू 10, इंटू इक्वल टू 11, इंटू इक्वल टू 12, तो देखो आंसर आ गया 1.2570, दैट्स द आंसर,
बस ये पावर ऑफ का कैलकुलेशन का आंसर कितना आ गया 1.2570। बस ये निकालना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूले में हम लोग यूज करेंगे। मेन ये पावर ऑफ का कैलकुलेशन का आपको बताया मैंने। और ये देखो ये कैलसी में टाइम कंज्यूमिंग है ना, बट आप ना एक्सेल में करोगे ना, एक्सेल में आपको 2-3 सेकंड में हो जाएगा, इतना सिंपल है एक्सेल में। तो एक्सेल का हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिकल करेंगे तो बताऊंगा मैं। तो याद रखना सब लोग बेटा, CAGR आपको क्या देता है, एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न बताता है, एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बताएगा। भले आपका ऐसे 5 साल 10 साल में कितना भी रिटर्न वोलेटाइल हुआ हो, कभी 10%, कभी 40%, कभी 5%, कभी 2%, बट CAGR आपको एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देगा कि हर साल का आपका रिटर्न कितना है। एक फिक्स नंबर देगा आपको कि आपको 10% मिल रहा है, बराबर है, 10% मिल रहा है या 20%, एक फिक्स्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बताएगा आपको, एक नंबर देगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि चलो हर साल आपने इतना कमाया, दैट इज व्हाट CAGR, गॉट इट। तो याद रखना सब लोग, ओके। सो अच्छे से रिमेंबर रखना, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग इसको समझेंगे, ओके। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।